Okay, class 11. In the previous video, we had discussed about the accounting situation meaning and the transactions. So now in this video, we will going to start a question of accounting equation. Please write this question on your notebook, as in the exam, you will have a question like this. Transaction will be given like this and prepare accounting equation from the above transaction. Please write this question on your notebook. Okay. Okay, class. So I had made the format according to the question. मैंने ये format आपको सिखाया भी है कैसे बनाना है, ठीक है? तो अभी आप एकदम से इस format को बनाएंगे नहीं, आप मेरे साथ साथ चलेंगे. बस आपको line draw करनी है. Format जैसे मैंने कल सिखाया वो format आपको बना लेना है line draw करके, ठीक है? हम question को start. मैंने इस तरफ पे transaction balance लिख दी है. आप एकदम से मत लिखिएगा, एक एक transaction को लिखिएगा, फिर से solve करिए. सबसे पहले transaction करती है started business with cash 40,000. मैंने आपको इसकी ट्रांजेक्शन बताई है कि इसकी एंट्री कहाँ पे जाती है और कैसे जाएगी. तो मैं आपको बताया था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमें क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले एक कैश का कॉलम बना लेना है हमें, ठीक है? कैश के कॉलम को बनाने के बाद कितने रुपीज है यहाँ पे, 40,000 है. हमने यहाँ पर 40,000 को शो करना है. और मैंने आपको बताया था ये किधर चले जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा. तो ये कैपिटल में भी चला गया, ठीक है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की दो एंट्री होती है, एक कैश में और एक कैपिटल. तो हमने कैश में कैपिटल में लिख दिया, ठीक है? आपको जैसे ही आपने कैश का कॉलम बनाया, अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है. स्केल से ड्रॉ कीजिएगा प्लीज. यहाँ पर आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, उसको आप स्केल से कीजिएगा, मेरी तरह हाथ से नहीं, ठीक है? आपने कैश का एक कॉलम बना दिया. जैसे ही ये रिमेम्बर रखना बच्चों, आप सबको ये याद रखना है कि जैसे ही आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, आपने उसके नीचे एक लाइन को खींच लिया इस तरीके से, स्केल से माइनस अभी सब, यानी कि मेरी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है. और इधर उस क्वेश्चन एंटर उसके नीचे ट्रांजेक्शन के नीचे आपने लिख देना है न्यू इक्वेशन, एनई. एनई का मतलब होता है न्यू इक्वेशन. तो जब हमारी ट्रांजेक्शन पूरी हुई, तब जो हमारे पास अमाउंट है वो इस तरीके से है कि हमारे पास कैश 40,000 है और कैपिटल भी हमारे पास 40,000. क्लियर? नेक्स्ट कहता है परचेज गुड ऑन क्रेडिट. अब मैं सामान को खरीद रहा हूं उधार. तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि गुड्स का मतलब होता है स्टॉक. तो यहां पे आपको स्टॉक का कॉलम बनाना है. फिर से आपको क्या कर देनी है, लाइन ड्रॉ कर देनी है स्टॉक का कॉलम बना के. अभी क्या है, परचेज गुड ऑन क्रेडिट, मैंने उधार का सामान खरीदा. कितने रुपए का सामान आया मेरे पास, 15,000 का मेरे पास सामान आ गया है, लेकिन मैंने इसे उधार में खरीदा है. तो लायबिलिटी वाली साइड होती है उधार की. आपने यहां कॉलम बनाना है क्रेडिटर का. इसका कॉलम बनाएंगे क्रेडिटर का, और इस तरह से उस पे भी एक लाइन को ड्रॉ कर देना है, और 15,000 को आपने यहां पे भी शो कर देना, ठीक है? 15,000 हमने स्टॉक में और क्रेडिटर में शो कर दिया. अभी मेरा क्वेश्चन फिर खत्म हो गया. देन अगेन मुझे उसके नीचे क्या करना है, लाइन खींचनी है. जैसी मेरी ट्रांजेक्शन खत्म होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देना. अभी हमारे पास जो NE नई इक्वेशन जो बन रही है वो क्या बन रही है, 40,000 हमारे पास कैश है, स्टॉक ऐड हो गया हमारे पास नया आया है 15,000, क्रेडिटर भी हमारे पास नया आ गया 15,000, और कैपिटल हमारा है 40,000. नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 रुपीज. अब मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं 10,000 रुपए का, तो ऑब्वियसली बात है जब मैं कुछ खरीदने जाऊंगा तो मेरी जेब से पैसा कम होगा. तो यहां पर 10,000 को मेरे को कैसे माइनस करना है, देखिए जो भी माइनस के आइटम होंगे उसे हम ब्रैकेट से शो करेंगे. तो 10,000 हमें यहां पर कैश से माइनस करना है. अब हमारे पास क्या आया, इसके बदले फर्नीचर आया हमारे पास. असेट में फर्नीचर का एक और कॉलम बना लेंगे इस तरीके से, न्यू इक्वेशन फिल कर देंगे हम. तो 40 में से 10,000 को अगर हम माइनस करते हैं तो अब हमारी न्यू इक्वेशन बनती है 30,000, स्टॉक हमारे पास है 15,000, फर्नीचर हमारे पास कितना आ गया 10,000, क्रेडिटर हमारे हैं 15,000, कैपिटल हमारा है 40,000. नेक्स्ट पेड रेंट एंड सैलरी, हम
क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा तो पेड रेंट एंड सर्विस 300 एंड 700 है, यानी अपनी जेब से मुझे 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो 1000 मैंने कैश से माइनस कर देना है और 1000 मैंने कैपिटल से माइनस कर देना है। ध्यान रखिए जब भी रेंट और सैलरी वगैरह हम पे करेंगे तो वो कैश से और कैपिटल से माइनस हो जाएगा। अगेन हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है, न्यू इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। कैश मेरा बचा 29,000, स्टॉक वही है सेम 15,000, फर्नीचर सेम है 10,000, क्रेडिटर सेम रहेंगे 15,000, कैपिटल 39,000। नेक्स्ट सोल्ड गुड 12,000 ऑन क्रेडिट। अभी मैं 12,000 का सामान उधार में बेच रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से समझेंगे। मैंने क्योंकि इसकी एंट्री आपको जब करवाई थी तो मैंने बताया था ये तीन जगह रिफ्लेक्ट करेगी। तो सबसे पहले सोल्ड गुड 12,000, स्टॉक कितने का जा रहा है मेरा 12, ठीक है। क्रेडिट में जा रहा है, किसमें जा रहा है उधार। देखो जब मैं किसी से उधार लूंगा तो क्रेडिटर बनेगा, लेकिन जब मैं किसी को उधार दूंगा तो मैं डेटर बनेगा। तो यहां पर एक कॉलम बनेगा डेटर का, अभी मैं 12,000 का सामान कितने में उधार में दे रहा हूं 15,000, तो डेटर में डाल दूंगा 15,000। और मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में जब हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था तो मैंने बताया था अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल से वो ऐड होगा, अगर लॉस होता है तो माइनस होगा। तो यहाँ पे 12,000 का सामान 15,000 में जा रहा है तो मुझे 3,000 का फायदा हो रहा है, तो 3,000 रुपये में कैपिटल में प्लस कर दूंगा। यहां पर मेरी न्यू इक्वेशन बन गई है, क्या बनी है मेरी इक्वेशन, कैश तो सेम ही रहा, कैश में कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक मेरा आपसे 3,000 का बचता है क्योंकि 12,000 का सामान बेच चुका हूं, फर्नीचर सेम रहेगा 10,000, रेटर नया आ गया मेरा 15,000, क्रेडिटर है मेरा 15,000 और कैपिटल मेरी हो गई है 42,000। पेड टू क्रेडिटर, अब मैं अपना उधार चुका रहा हूं, तो अगर मैं उधार चुका रहा हूं तो ऑब्वियस बात है मैं अपने कैश से पहले 8,500 को माइनस करूंगा क्योंकि ये मेरे जेब से जा रहे हैं, और मैं अपने क्रेडिटर से भी 8,500 को माइनस करूंगा क्योंकि मैं अपना उधार चुका रहा हूं। ये न्यू इक्वेशन बनेगी हमारी, सो अभी मेरे पास 29 में से 2500 हमारे पास क्या बचा है कैश बचा है, 3000 हमारे पास स्टॉक है, 10,000 फर्नीचर है, 15,000 डेटर है, 6500 हमारे पास अब बचा है क्रेडिटर और 42,000 हमारे पास है कैपिटल। नेक्स्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट, जब भी हम इंटरेस्ट को रिसीव करेंगे तो कैश और कैपिटल में प्लस करेंगे, तो हमने रिसीव इंटरेस्ट कितने का किया 1500 का, कैश और कैपिटल में से आप प्लस करोगे। न्यू इक्वेशन बन जाएगी आपकी, अभी हमारा 22,000 हो गया कैश, 3,000 हो गया हमारा स्टॉक, 10,000 हमारा फर्नीचर, 15,000 हमारा डेटर, 6,500 हमारा क्रेडिटर और कैपिटल में हमने 1500 ऐड करना है तो कितना हो गया 43,500। नेक्स्ट विड्रॉ फ्रॉम प्राइवेट यूज, देखिए जब भी हम कभी ड्रॉइंग करते हैं कुछ भी चीज हम अपने लिए विड्रॉ कर रहे हैं तो वो कैश से और कैपिटल से दोनों से माइनस होगा, तो 4,000 रुपीज कैश से माइनस हो जाएगा, 4,000 रुपीज कैपिटल से माइनस। न्यू इक्वेशन बनती है 18,000 हमारा क्या हो गया कैश, 3,000 हमारा स्टॉक ही रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं है, डेटर में भी कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर में भी कोई चेंज नहीं है, और अब हमारे पास कैपिटल में से जब हम 4,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 39,500।
लास्ट एंट्री हमारी क्या है, व्हाट गुड 8000 पेड 5000, यानी 8000 का सामान मैं खरीदता हूं लेकिन सिर्फ मैं चुकाता हूं 5000। तो 8000 का सामान मैंने क्या किया, खरीदा है, तो मैं 8000 को स्टॉक पे डालूंगा। पे कितने रुपए कर रहा हूं, सिर्फ 5000 रुपए पे कर रहा हूं। इसका मतलब 3000 रुपए का मेरा क्या हो गया, उधार हो गया, तो वो मैं क्रेडिटर में 3000 रुपए को लिख दूंगा। अब मेरा क्वेश्चन यहां कंप्लीट होता है। ये जो इक्वेशन बनेगी इसे बोलूंगा फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन क्या बनी मेरी, 13000 तो मेरा कैश आ गया, 11000 मेरा स्टॉक है, 10000 मेरा फर्नीचर है, 15000 मेरे डेटर है, 9500 मेरा क्रेडिटर अब बन गया है, और 39500 मेरा कैपिटल। अब हमेशा याद रखना कि आपने जो ये क्वेश्चन बनाया है ये आपका सही है या गलत आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आपका असेट का टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जैसे हमारा असेट का टोटल इस समय कितना बन रहा है, 49000 बन रहा है, ठीक है, 30, 11, 24, 34 एंड 49 बन रहा है हमारा। उसी तरह से अगर 9500 को 39500 से प्लस करोगे वो भी 49000 बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज हमने किया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।